मैं समय हूं, मैं हर युग का साक्षी हूं। मेरे समक्ष न जाने कितनी ही सभ्यताएं जन्मी और लुप्त हो गईं। युग चाहे कोई भी क्यों ना हो, महाभारत जैसे महाकाव्य हमेशा मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के प्रमुख पात्र कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वह धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी इन कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त करना चाहते थे और ये कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और दोनों में प्रगाढ़ मैत्रता हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान कर महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे और उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र और शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं में अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता से रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो गया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूं,
मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम ही मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जाकर गिर गई। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कर दो तो मैं तुम्हारी गेंद इस कुएं से निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सीख से गेंद को छेदा, फिर दूसरी सीख से गेंद में फंसे सीख को छेदा। इसी प्रकार सीख से सीख को छेदते हुए गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों की उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और राजश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। एक नई कहानी लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।